अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। जैसे कि आप सबको बताया कि आज से कुछ दिन पहले इसराइल ने शाम के अंदर ईरान के सफारतखाने के ऊपर हमला किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा हलाकतें भी हुई। इसके बाद ईरान ने उसका बदला लिया, जो कि कल उन्होंने 200 के करीब ड्रोन्स फायर किए इसराइल की तरफ। अब इसराइल को उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने जाओ डायरेक्ट हमला इसराइल के ऊपर जाओ कल किया। इसके बाद पूरे इसराइल के अंदर आप समझ लें कि एमरजेंसी लग गई और उन्होंने अब ये पैगाम भी जारी कर दिया इसराइल वालों ने कि हम ईरान से जाओ इसका बदला लेंगे। और ईरान ने कह दिया कि अगर जाओ इसराइल ने हमला किया तो फिर इससे भी बड़ा जाओ रिस्पांस हम इस वास्ते देंगे। अब ये तो ईरान और इसराइल के दरमियान है, आप समझ लें कि 1-to-1 जंग इस वास्ते चल रही है। इस सारे मामले में आप सबको बताया कि अमेरिका इसराइल का बहुत बड़ा हामी है, यानी कि आप समझ लें कि अगर इसराइल को कुछ कहता है तो अमेरिका कहता है कि भाई इसने हमें कहा है कुछ। तो इस सारी सूरतियाल के ऊपर अमेरिका का जो रद्द अमल है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि भाई अमेरिका किस तरीके से अपने ही बयान से जाओ इस वास्ते पीछे हट गया है। जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ तो सदर बाइडेन ने सुबह सुबह ही आप समझ लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दी कि हम जाओ इसराइल की सलामती के लिए हर कदम जाओ उठाएंगे और इस वास्ते जाओ ईरान से बदला लिया जाएगा। सदर बाइडेन ने जब यह स्टेटमेंट दी तो उसके बाद सदर पुतिन, जो कि रशिया का सदर है, उसने जाओ वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि अमेरिका जाओ इस तरह काम करने से बाज रहे, अगर जाओ अमेरिका ने इसमें शामिल होने की कोशिश की तो फिर याद रखे तीसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी और उसमें रशिया, चीन, यमन और शिमाली कोरिया ईरान के साथ होंगे। यानी कि खुल्लम खुला सदर पुतिन ने जाओ धमकी लगा दी है कि भाई हम जाओ इस वास्ते साथ हैं, अमेरिका जाओ इससे पीछे हट जाए। अब जब पुतिन का वीडियो पैगाम जारी हुआ तो अमेरिका के सदर बाइडेन ने सरकार एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इस वास्ते पीछे हट चुके हैं। वो कैसे कि अमेरिका ने पहले तो कह रहा था कि भाई हम जाओ इसराइल का साथ देंगे और कहा था कि इसराइल जो भी जवाबी कार्रवाई इस वास्ते करेगा हम उसमें जाओ इसराइल के साथ हैं, लेकिन अब सरकार जाओ ये अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट चुके हैं। सदर बाइडेन ने इसराइल के सदर को ये बात कह दी है कि भाई हम जाओ आपके साथ नहीं होंगे, यानी कि जो जारहाना जवाबी कार्रवाई आप करेंगे ईरान के खिलाफ तो उस मामले में हम आपका साथ नहीं देंगे। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा, सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वासे कर दिया। ये तो मेरे भाई बहनों ये स्टेटमेंट आपने देख लिया है, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये लोग गिदड़ भपकियाँ इस वास्ते दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इकदाम मैं कहता हूँ सदर पुतिन ने जो इस वास्ते धमकी लगाई है, ये बहुत बड़ी बात है यार। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको ईमान की नेमत से नवाजे, आमीन। क्योंकि उन्होंने इस वास्ते बड़ी धमकी देकर अमेरिका को इस वास्ते रोका है। अब ये इस वास्ते बड़ी अपडेट जो कि मैंने आपको दी है, आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं राय का ज़ाहिर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे भाई तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।